कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के बाद 1 जून से देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत विभिन्न संस्थाओं को नियम व शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन करीब 100 दिन बीत जाने के बाद भी न्यायालय नहीं खुलने से इंदौर अभिभाषक संघ ने नाराजगी जताई है। अभिभाषक संघ ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि न्यायालय बंद होने के कारण कई मामले अटके हुए हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और जिम्मेदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। वकीलों ने बताया कि वर्तमान में अनलॉक 2 की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है एवं सभी शासकीय अशासकीय कार्यालयों में कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया है एवं सभी व्यापारिक संस्थान भी खुल चुके हैं, लेकिन न्यायालय को खोलने संबंधी अभी भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। आज सारा मामला न्यायालय के दरवाजे खोलने का और पूर्ववत न्यायालय का कार्य जारी हो, जनता में विश्वास कायम हो न्यायालय के प्रति। आज न्यायालय को सच्ची निगाह से देखा जा रहा है क्या गोलमाल हो रहा है, क्योंकि पक्षकार को भगाया जा रहा है, दरवाजे बंद है, वकील क्या कर रहा है उसका उसको दिख नहीं रहा है, न्यायालय कहाँ काम कर रहा है। ये सारी स्थिति कोरोना के नाम पर करी गई है, हमने बर्दाश्त, हमने लगातार अनुशासन को माना। लेकिन अब जब देश के कर्णधार जो चुने हुए हैं सर्वोच्च पद पे हैं और विशेषज्ञ मेडिकल के कह रहे हैं कि अब कोरोना के साथ ही जिंदगी का निर्वहन करना पड़ेगा, उसका नियमों को पालना पड़ेगा, तो हम नियमों को पालने को तैयार है। लेकिन न्यायालय तो खोलो या ये कह दो कि हम बंद करना है दिवाली तक। पर वही मैं बोल रहा हूँ कि जो तमाम सरकारी कार्यालय खोल दिए गए, सब प्राइवेट कार्यालय खोल दिए गए, लेकिन न्यायालय क्यों नहीं खोला जा रहा है? तो न्यायालय को ये है ना, उन न्यायालय को खोलने वाले लोग भयभीत है, डरे हुए है कि यदि न्यायालय खुला तो भैया न्यायालय खुलेगा तो जनता आएगी। आज हमें कहा जाता है आप 4 महीने की तारीख बढ़ा लो, तो हमने कहा सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में घोषित करो, विज्ञापन दो कि पक्षकारों को आने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, ये हमें कहा जा रहा है जिससे कि हम भगाए पक्षकारों को। अभिभाषक संघ ने कोर्ट को जल्द खोलने की मांग की है।